सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th के अंतर्गत जो पेंटिंग विषय है, इस विषय के हम इम्पोर्टेंट MCQ पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 और 12, इन दो चैप्टरों के जो हम MCQ है या कुछ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चैप्टर नंबर 11 है समकालीन कला एवं कलाकार। तो देखिए, ये जो चैप्टर है उसके अंतर्गत रवि वर्मा आदि के बारे में, जो आदि कलाकार थे उनके बारे में बताया गया है। तो प्रश्न संख्या एक है, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है, राजा रवि वर्मा का जन्म कलिमनूर, जो कि दक्षिणी केरल राज्य का छोटा सा नगर है, वहाँ पर हुआ था। प्रश्न संख्या दो है, राजा रवि वर्मा अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? तो वे अपनी सफलता का श्रेय अपने विधिवत प्रशिक्षण, पहले तंजावुर की पारंपरिक चित्रकला को और बाद में यूरोपियन कला को देते हैं। प्रश्न संख्या तीन है, सुभद्रा हरण किस महाकाव्य पर आधारित है? तो सुभद्रा हरण जो है महाभारत महाकाव्य पर आधारित है। प्रश्न चार है, सुभद्रा हरण में अर्जुन को किस वेश में दर्शाया गया है? तो वो एक सन्यासी वेश में दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या पाँच है, अरविंद नाथ टैगोर के जन्म स्थान का नाम है? तो अरविंद नाथ टैगोर के जो जन्म स्थान है वो क्या है? तो इसमें से आएगा जोरासांको कोलकाता। तो जोरासांको कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से आपके जो है MCQ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्न संख्या छः है, सुभद्रा हरण चित्र का माध्यम है? तो सुभद्रा हरण चित्र का जो माध्यम है वो जल रंग है। प्रश्न संख्या छः है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे रिक्त स्थान आएंगे आपके, जैसे कि जौमिनी राय के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो ये बंगाल के बाकुड़ जिले में बालोतरा गांव में है। प्रश्न संख्या दो है, जौमिनी राय ने टेम्परा पारंपरिक तकनीक का उपयोग किया? तो यहाँ पर आएगा टेम्परा। प्रश्न संख्या तीन है, जौमिनी राय की चित्रकला का माध्यम है? तो वो है जल रंग। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के जन्म स्थान का क्या नाम है? तो अमृता शेरगिल है वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उसका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या आठ है, अमृता शेरगिल का बचपन कहाँ बीता? तो उनके बचपन के आरंभिक जो दिन है वो हंगरी के गांव में बीते। प्रश्न नौ है, अमृता शेरगिल के बनाए तीन प्रसिद्ध चित्रों के नाम लिखिए। तो उन्होंने जो है चित्र बनाए थे वो है हील वुमेन, वुमेन एंड वॉच एंड स्लिप आदि उन्होंने चित्र बनाए थे। दुल्हन का श्रृंगार चित्र का माध्यम क्या है? तो कैनवास पर तेल रंग, यानी कैनवास के ऊपर तेल रंग के माध्यम से ये चित्र बनाया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, नाद सौरम गणेशम चित्र के चित्रण का माध्यम क्या है? तो इसका उत्तर है कैनवास पर एक्राइलिक रंग के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। नाद सौरम गणेशम में चित्रित वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। तो उसका नाम है नाद। तो नाद एक वाद्य यंत्र होता है, बजाने का यंत्र होता है। नाद सौरम गणेशम में प्रयुक्त किस किए गए रंगों के नाम लिखिए? तो प्रयुक्त किए गए जो है पांच रंग हैं उनके हमें नाम बताने हैं। तो नाद सौरम गणेशम में प्रयुक्त किए गए पांच रंगों के नाम लिखिए। तो वो है लाल, कत्थई सलेटी, पीला, हरा और काला आदि रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। उन भारतीय एवं विदेशी कलाकारों के नाम लिखिए जिन्होंने हेब्बार को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो वो है पाल कोका एवं अमृता शेरगिल। प्रश्न 15 है, हेब्बार का निधन किस आयु में हुआ? तो 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। प्रश्न 16 है, हेब्बार ने किन किन रंगों का प्रयोग किया है? तो हेब्बार ने पीला, कत्थई, नारंगी, नीला एवं स्लेटी रंगों का प्रयोग किया था। अब है प्रश्न संख्या, ये जो 16 है वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो अब हम चैप्टर नंबर जो 12 है, जो आपके मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, उस पर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पाठ का नाम है भारतीय कला में फ्रेस्को एंड टेम्परा। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, मंडासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है? तो मंडासन राजकुमारी का जो चित्र है वो गुफा संख्या 16 में बनाया हुआ है। मंडासन राजकुमारी का माध्यम क्या है? तो वो टेम्परा पद्धति द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर आएगा टेम्परा। प्रश्न संख्या तीन है, अजंता के चित्र किन कथाओं पर आधारित है? तो अजंता का जो चित्र है वो जातक कथाओं पर आधारित है। राजकुमार वेसंतरा को अनेक राज्य से क्यों उनके राज्य से क्यों निकाला गया? तो राजकुमार वेसंतरा को उनके राज्य से क्यों निकाला गया? क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा दयालु थे,
उन्होंने अपना सबसे कीमती हाथी धर्म के नाम पर दान दे दिया था। प्रश्न संख्या 5 है, राजकुमार और राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में बनाया हुआ है? तो उत्तर है राजकुमार विश्वंतरा और राजकुमारी माद्री का चित्र 70वीं गुफा में बना हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, राजकुमार और राजकुमार चित्र किस तकनीक से बना है? तो राजकुमार विश्वंतरा और राजकुमारी माद्री का चित्र टेम्परा में बना है। तो टेम्परा एक पद्धति है जिससे उसका चित्र बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, मार विजय का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है मार विजय का तात्पर्य है भगवान बुद्ध का अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। प्रश्न 7 है, मार विजय का चित्र किस गुफा में है? तो मार विजय का चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में है। प्रश्न 9 है, मार विजय के चित्र में भगवान बुद्ध किस मुद्रा में है? तो उत्तर है मार विजय के चित्र में भगवान बुद्ध तपस्या करते हुए ध्यान मुद्रा में लीन बैठे हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बेलों की लड़ाई का चित्र कहाँ स्थित है? तो बेलों की लड़ाई का जो चित्र है वो है, ये चित्र जो है गुफा संख्या 1 का खंबे के ब्रैकेट पर बना, तो गुफा संख्या जो 1 है उसके खंबे के ब्रैकेट पर बना हुआ है। प्रश्न 11 है, बेलों की लड़ाई को देखकर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अजंता में छत खंभों और दीवारों पर मेहरबानों का चित्रण हुआ है। तो ये देखो, ये जो बेलों की लड़ाई का जो गुफा है, ये गुफा जो है अजंता की गुफाओं का ही की ही बात हो रही है। तो देखो, अजंता की गुफा जो है उसकी छत है, खंभों है, दीवार है, मेहरबानों पर का जो है ना चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, बेलों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण चित्र क्यों है? उत्तर है बेलों की लड़ाई एक महत्वपूर्ण चित्र है क्योंकि यह अजंता के चित्रकारों को दर्शाती है कि उनके चित्रकारों की कितनी अच्छी कला थी उसको वो दर्शाती है। तो इस तरह से इन दो पार्टों के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आगे जो चैप्टर नंबर 14 और 15 है जो आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं, उसे चैप्टर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।